हाँ जी, स्वागत है जी तुहाडा सारिआं दा साडे यूट्यूब चैनल ते। तां अज 19 मई दीआं चार अपडेट्स जिहड़ीआं तुहाडे लई लै के आए हां, जिहदे विच ठेका मुलाजमां, ओवरेज बेरुजगार यूनियन, पुरानी पैनशन स्कीम लागू करन अते पंजाब पुलिस लई जिहड़ीआं अपडेट्स आईआं ने। सो कल्ली कल्ली अपडेट जिहड़ी तुहाडे नाल शेयर करांगे। इस तरहां तुहानूं नवीआं नवीआं अपडेट्स जिहड़ीआं मिलदीआं रहिण, चाहे वह एजुकेशन नाल संबंधित होवे जां फिर जॉब्स नाल संबंधित होवे जां फिर पंजाब सरकार दे ऐलान होण, इस तरहां दी सारी जानकारी सही समय पर मिलती रहे तो चैनल में सबसक्राइब नाल जो घंटी है आल ते प्रेस जरूर कर लियो। तो शेयर करते हैं जी पूरी जानकारी। तो पहली अपडेट तो शेयर करते हैं ठेका मुलाजमान लेके। तो पंजाब सरकार दे मुलाजमान दे मसलों को हल करने की प्रक्रिया को होर तेज़ जिहड़ा करदे आ, कैबिनेट सब कमेटी जिहदे विच वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रुजगार उत्पत्ति मंत्री अमन अरोड़ा, ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर कौर शामिल सन। सो मीटिंग दौरान वख वख मुलाजम यूनियन ते एसोसीएशन दे नुमाइंदियां नाल गलबात की गई। सो इत्थे पंजाब भवन विखे होईआं लड़ीवार मीटिंगां दौरान नशा छड़ाऊ ते मुड़ वसेबा यूनियन, बेरुजगार मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर यूनियन, पंजाब रोडवेज़, पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन, ओवरेज बेरुजगार यूनियन, पंजाब दे पे स्केल बहाली सांझा फ्रंट ते पंजाब चंडीगढ़ यूटी पैनशनर फ्रंट ने अपने मसले उठाए ते सब कमेटी नूं मंग पत्र जिहड़े दित्ते। तां वख वख विभागां दे विच ठेके ते काम करदे मुलाजमां दीआं सेवावां नूं रैगूलर करन दे सांझे मुद्दिआं दे जवाब दे विच वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने 10 सालां दा तजर्बा रखण वाले मुलाजमां दीआं सेवावां नूं रैगूलर करन दी नीति नोटिफाई जिहड़ी कर दित्ती है। उन्हां कहा कि यह नीति बहुगिनती ठेके ते रखे मुलाजमां दीआं सेवावां नूं रैगूलर करन विच सहाई होवेगी। उन्हां कहा कि जिहड़े मुलाजम इन्हां नीति अधीन नहीं आ सकणगे उन्हां दे मामले भी अगले पड़ाव दौरान हमदर्दी नाल जिहड़े विचारे जाणगे। तां सब कमेटी ने यूनियन नूं यह भी भरोसा दित्ता कि सूबा सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों लई भी विशेष नीति बनाउण ते काम करना शुरू कर दिता है तां जो इह यकीनी बनाया जा सके कि वह भी तनखाह ते छुट्टियां दे विच सालाना वाधे वर्गे लाभ प्राप्त कर सकन। कैबिनेट मंत्रियों ने दोहराया कि सब कमेटी मुलाजमां दीआं सेवावां नूं रैगूलर करन समेत उन्हां दीआं सारीआं मंगां ते मसलिआं नूं इस तरीके नाल हल करन लई यतनशील है कि किसी कानूनी अड़चन दा सामना जिहड़ा ना करना पवे। तो इस दौरान अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछलियां सरकारां ने अपने कार्यकाल के आखिरी सालों के दौरान मुलाजमान नूं रैगूलर करन लई जानबुझ के अजिहीआं दोगलीआं नीतियां जिहड़ीआं अपनाईआं, सो जिन्हां नूं अदालतां दे विच चुनौती दित्ती जाणी सुभाविक सी। इस दौरान सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बेरुजगार मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्करज़ यूनियन के नुमाइंदे को भरोसा दिता कि मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर दीआं 200 असामियों भरन की प्रक्रिया जी चल रही है। उन्होंने नशा छड़ाऊ ते मुड़ वसेबा यूनियन के नुमाइंदियां नूं नशा छड़ाऊ ते मुड़ वसेबा प्रोग्राम के सकारात्मक नतीजे लियाउण लई होर उपराले करन दा सद्दा दिंदे कहा कि सरकार पहलां तों ही उन्हां दीआं कामकाज दीआं परिस्थितियां नूं सुधार लई काम है जिहड़ा कर रही है। तो इस मौके होरनां तों इलावा सकत्तर ट्रांसपोर्ट दिलराज सिंह संधावालिया, डायरैक्टर रुजगार उत्पत्ति दीप्ती उप्पल, डायरैक्टर ट्रांसपोर्ट अमदीप कौर, डायरैक्टर सेहत ते परिवार भलाई डॉक्टर आदर्शपाल कौर ते डायरैक्टर सेहत सेवावां FW डॉक्टर रविंद्रपाल कौल जिहड़ी हाजिर सन। अगली अपडेट है जी पंजाब दे विच पुरानी पैनशन स्कीम नूं लैके। तां पंजाब सरकार ने हिमाचल चोणां तों पहलां पुरानी पैनशन स्कीम बहाल कर ली कहा सी। पंजाब सरकार पुरानी पैनशन स्कीम बारे अगले 2 महीने तक कोई फैसला नहीं लैन जा रही। सूबे दे विच नवी पैनशन स्कीम की थां पुरानी पैनशन स्कीम लियाउण लई सरकार वल्लों 4 राज्यां दे विच इक अध्ययन टीम है जिहड़ी उह भेजी जा रही है। यह टीम छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश दे विच लागू पुरानी पैनशन स्कीम दीआं प्रक्रियावां अते SOPs नूं समझेगी अते इहनां नूं पंजाब दे विच लागू करन संबंधी प्रक्रिया जिहड़ी तेज़ करेगी। इस तों इलावा अध्ययन करन वाली टीम नूं दिल्ली सरकार दे पैनशन विभाग नाल संपर्क करन लई भी कहा गया तां जो उत्थे लागू कीती गई पैनशन स्कीम विच किए गए बदलाव नूं समझा जा सके। उस तों बाद इन्हां तब्दीलियों नूं पंजाब विच भी लागू करन बारे विचार किया जाएगा। इन्हां सारे राज्यां दे विच लागू पुरानी पैनशन स्कीम अते कुछ बदलाव नाल लागू की गई नवी पैनशन स्कीम का अध्ययन करन तों बाद अध्ययन टीम 2 महीनों दे विच अपनी रिपोर्ट है जिहड़ी देवेगी। सरकार नूं इह रिपोर्ट 30 जून तक मिलण की उम्मीद है। उस तों बाद जुलाई विच पंजाब सरकार इस रिपोर्ट नूं लागू करन बारे फैसला करेगी। 1.75 लाख कामियां नूं OPS का लाभ मिलेगा। मौजूदा समय के पंजाब सरकार 1.75 लाख मुलाजमान के पैसे NPS के जमा करवा रही है। ये कर्मचारी 2002 तो बाद लागू हुई
NPS स्कीम तो बाद भर्ती किए गए हैं। 2031 तो बाद रिटायरमेंट शुरू होने पर उन्हें NPS का लाभ मिलेगा और बाकी सारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ है जिहड़ा मिलेगा। तो मौजूदा प्रक्रिया के दौरान 2031 तो बाद सरकार के OPS का बोझ जिहड़ा घट जाएगा, पर जेकर सरकार दोबारा OPS नूं अपनाउंदी है तो सरकार नूं पेंशन फंड लई हर साल बजट चों अलाटमेंट वधाउणी पवेगी। ये पैसा हुण 17,000 करोड़ रुपए तो वध गया है। हर साल सरकार NPS च करीब 1,000 करोड़ रुपए दे रही है। सरकार ने इस फंड की वापसी लई भी कहा सी, जिस नूं केंद्र ने देण तों इनकार कर दिता। पंजाब सरकार इस 17,000 करोड़ रुपए की कारपस नूं OPS लई कारपस फंड वजों जिहड़ा वरत सकती है। तो अगली अपडेट जुड़ी है जी पंजाब पुलिस लई। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिहड़ा IB दे विच वख-वख असामियों लई 144 नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र वंडे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार दे वल्लों मिशन तंदुरुस्त पंजाब तहत हुण तक 29,237 नौकरियां जिहड़ियां दित्तियां जा चुकियां ने। सो निगम भवन चंडीगढ़ विखे आयोजित प्रोग्राम दे विच मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन दे विच कहा कि पिछले समय विच पंजाब पुलिस ने वड्डे ऑपरेशन कीते, जिस दी सफलता लई मैं उन्हां नूं वधाई दिंदा। पंजाब पुलिस नूं देश डिजिटल बनाउण जा रही है। कुछ दिनों में गूगल टीम को बुलाया जा रही है, जिस नाल असीं पंजाब पुलिस को अपडेट करांगे। उन्हें कहा कि पहली बार पुलिस दे विच सिविल तो भर्ती है जिहड़ी हो रही है। CM मान ने अगे कहा कि देश विरोधी अंसर पंजाब नूं निशाना बना रहे हैं, सरहदी सूबा होने कारण साडे सामने वड्डियां चुनौतियां ने। अजिहे च जेकर पंजाब खुश होवेगा तां पूरा देश है जिहड़ा खुश होवेगा। दूजे पासे मुख्यमंत्री नव नियुक्त नौजवानों नूं कहा है कि जो भी काम दिता जाए वह अपनी ड्यूटी जान के करो, काम विच किसी किस्म की कमी ना छड्डो। इस मौके मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार का हिस्सा बन जा रहे नव नियुक्त नौजवानों को वधाई है जिहड़ी दित्ती है। अगली अपडेट है जी ओवरेज यूनियन नाल जुड़ी हुई है। जलंधर की लोग सभा जिमनी चोन मौके बेरोजगारों को दित्ती मुख्यमंत्री वाली 15 मई की मीटिंग भावें सरकार ने रद्द कर दित्ती सी, परंतु बेरोजगारों के समूह जथेबंदियों ने सख्त रोस और विरोध उपरंत पंजाब भवन चंडीगढ़ विखे यह मीटिंग है जिहड़ी सब कमेटी नाल करवाई गई। ओवरेज मसले उत्ते ओवरेज बेरोजगार यूनियन के सूबा प्रधान रामल कुमार मलोट ने सब कमेटी को पिछले समय दौरान मिलियां उम्र हद छोटा अते मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों दित्ते भरोसे नूं सबूतां सहित पेश कीता, जिस उत्ते गौर करदिआं सब कमेटी ने बेरोजगारां दी मंग मुख्यमंत्री अगे रखण अते परसोनल विभाग नूं केस नूं घोखण दी हदायत है जिहड़ी कीती है। सब कमेटी इंचार्ज हरपाल सिंह चीमा ने समुचे कमेटी मैंबरां अमन अरोड़ा मंत्री शहरी विकास डॉक्टर बलबीर सिंह सेहत मंत्री लालजी सिंह ट्रांसपोर्ट मंत्री आदि नाल चर्चा की। बेरोजगार आगू ढिलवां ने दस्सिया कि आम आदमी पार्टी सरकार के करीब 1.25 साल के अरसे दौरान पहली बार सार्थिक मीटिंग है जिहड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मास्टर केडर में लगाई बेतुकी 55% शर्त, लैक्चरर और मास्टर केडर में कॉम्बीनेशन की दुरुस्ती, मास्टर केडर दी असामियां भरन, मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर दीयां मंजूर 520 असामियां नूं उम्र हद छोट दे के भरन संबंधी रखियां मंगां उत्ते गंभीरता नाल विचार करके जल्द पूरा करन दा भरोसा दित्ता है। इस समय बेरोजगार आगू ललिता पटियाल ने कहा कि जेकर सरकार ने वादे पूरे ना किए तो जल्द ही संगरूर विखे मुख्यमंत्री की कोठी का घिराओ है जिहड़ा कीता जाएगा। सो अज दी जाने कि 19 मई दी नवीं अपडेट्स ने, बाकी अगे जिमें जिमें जो जो भी अपडेट्स होणगियां समय सिर जानकारी तुहाडे नाल शेयर करदे रहांगे। सो चैनल नाल जुड़े रहो, वीडियो नूं अगे वध तों वध शेयर जरूर करदे करो। धन्यवाद जी।